प्रदेश की हॉट सीट में शुमार और पिछले 56 साल से अभेद पूर्व सीएम भजनलाल के गढ़ आदमपुर में पहली बार भजनलाल के ही परिवार को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई के सामने कांग्रेस के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रहे चंद्र प्रकाश पिछड़ा समाज से और आम आदमी से एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल यानी बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखते हैं। जजपा असपा गठबंधन से किशन गंगवा और इनेलो से रणदीप लोचसप मैदान में है। बात करें ग्राउंड रिपोर्ट की तो किशनगढ़ में हुए सर्वे में पता चला कि चुनाव उन्होंने लोगों ने बताया है कि चुनाव प्रचार प्रमाण पर चढ़ गए। अब तक तो भजनलाल परिवार को ही जिताते आए हैं लेकिन इस बार कुछ नाराजगी है। वोटों पर इसका कितना असर पड़ सकता है यह तो 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। बेशक भजनलाल परिवार को लोग जिताते आए हैं लेकिन विकास इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, इसे लेकर अब तक लोगों में नाराजगी है। वहीं बात करें काली रावण गांव में की क्षेत्र में भी बताया गया कि क्षेत्रवासियों को पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल से बहुत लगाव था पर अपने परिवार में किसी को लगाव नहीं है। हर बार चुनाव में उनके सामने कोई नया दावेदार होता है, पिछला चुनाव लड़ चुके प्रत्याशी या तो मैदान में ही नहीं होता या फिर अगले चुनाव में उनकी टिकट ही कट जाती है। स्थायी दावेदार नहीं होने के कारण भजनलाल परिवार से ही किसी को हर बार विजय बनाकर विधानसभा भेजा जाता है। पिछड़ा वर्ग के वोटों में सेंध लगा सकते हैं चंद्र प्रकाश। चुनावी नतीजों के इतिहास पर नजर डाले तो हर चुनाव में पिछड़ा वर्ग के अधिकांश वोट पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार को मिलते रहे। कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र प्रकाश पिछड़ा वर्ग में अच्छी पकड़ रखते हैं जिसके कारण भव्य बिश्नोई के इस वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी लग सकती है। चंद्र प्रकाश पूर्व राज्यसभा सांसद रामजी लाल के भतीजे हैं, इससे भी उनकी इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ व जान पहचान भी है। कांग्रेस से 42 दावेदार मैदान में थे। चंद्र प्रकाश को टिकट मिलने से पार्टी विरोध के स्वर उठने की संभावना थी लेकिन उन्होंने सभी को एक मंच पर लाकर साबित कर दिया कि वे मतदान के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। भूपेंद्र बेनीवाल पिछले करीब 10 सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। वे मुनते असरावा गाँव के रहने वाले हैं और उनकी अपने समाज में अच्छी पैठ है। बिश्नोई समाज के वोट एक तरफा भजनलाल परिवार को जाते थे लेकिन बेनीवाल इस वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। भव्य बिश्नोई के लिए यह सेंध बहुत मुश्किल खड़ी कर सकती है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा व निर्दलीय प्रत्याशी रेणु चहल ने चंद्र प्रकाश को समर्थन दिया, माना जा रहा है कि इससे भी उनको बहुत फायदा होगा। कुलदीप बिश्नोई की कमजोरी की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई ने जितने भी बीजेपी पार्टी के जो पदाधिकारी थे, चाहे वो महामंत्री हो चाहे वो तीनों ब्लॉक जितने भी ब्लॉक के पदाधिकारी उनको जो मंडल दिए हुए हैं, मंडल अधिकारी हो या बूथ लेवल पे हो, उनके साथ तालमेल सही अच्छे से नहीं बिठा पाए। भजनलाल परिवार के 56 साल के इतिहास में पहली बार किसी गांव में विरोध झेलना पड़ा। कुलदीप व भव्य बिश्नोई का गांव कुतियावाड़ी खरिया व जीडी में विरोध देखने को मिला। इसके बाद खुद कुलदीप बिश्नोई को गांव में जाकर माफी मांगनी पड़ी थी। भजनलाल के गढ़ को ढाने के लिए पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल, प्रोफेसर गणेशीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री बंशीलाल के पुत्र सुरेंद्र, ओम प्रकाश चौटाला के भाई रणजीत सिंह, पूर्व गृह मंत्री संपत सिंह, केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश से लेकर कुलबीर बेनीवाल, कुरुड़ाराम नंबरदार तक ने ताल ठोकी लेकिन कोई जीत नहीं पाया। जातिगत समीकरण बताएं तो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,78,000 वोट हैं। इनमें करीब 56,000 वोट के लगभग जाट के हैं, करीब 30,000 वोट बिश्नोई, 5,150 ब्राह्मण के, करीब 6,370 पंजाबी और 5,861 वोट समाज वैश्य समाज के वोट आते हैं। इनके अलावा करीब 35,000 वोट एससी व 37,000 वोट बीसी समाज के हैं। कांग्रेस व भाजपा ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। भव्य बिश्नोई के समर्थन में पीएम मोदी रैली कर चुके हैं। उन्होंने मंच पर कुलदीप बिश्नोई को खासा सम्मान दिया, चौधरी भजनलाल के कार्यों की तारीफ भी की। उधर आम आदमी पार्टी इनेलो व जजपा प्रत्याशी केवल अपने स्तर पर चुनाव में लगे हुए हैं। कांग्रेस की ओर से रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कमाल संभाल रखी है, वह 2 बार रैली कर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आना था लेकिन उनकी तबीयत खराब होने के कारण वे नहीं आ सके। बात करें
पिछले चुनाव के, तो 2009 में कुलदीप बिश्नोई कजका पार्टी से जीते थे, 14 में भी जीते थे, 19 में भी कुलदीप बिश्नोई बीजेपी से पार्टी से नहीं बल्कि कांग्रेस से जीते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के बाद 2022 में चुनाव हुआ और भव्य बिश्नोई जीत दर्ज कर ली। अब देखना ये होगा कि कितना मार्जिन से कुलदीप बिश्नोई या कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जीत पाते हैं, कितने पार्टी में विभीषण है जो भीतरघात पार्टी के अंदर कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।